नमस्कार, मैं रमेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। और आज हम खड़े हैं बिजड़ में, जिसको तहसील का दर्जा मिल चुका है। हम आपको लेकर आए हैं जन सुविधाओं में सबसे जरूरी जो चीज है, जो है प्राथमिक सुविधाएं, उपचार की सुविधाएं। और लोगों को जब बीमार हो जाते हैं, किसी तरह की समस्याएं आती है, तो सबसे पहले याद आता है अपने आस पास का हॉस्पिटल। अब ये हॉस्पिटल किसी भी व्यक्ति की रिक्वायरमेंट क्यों है, इसको आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे जरूरी पार्ट माना जाता है। सरकारें हेल्थ को लेकर बहुत अवेयर हो रही हैं, जागरूकता फैला रही हैं, किंतु उन्हीं सब दावों के बीच में मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूं बिचड़ में स्थित इस हॉस्पिटल को, इस अस्पताल को, जो कि एक कम्युनिटी हॉस्पिटल जिसको आप बोल सकते हैं, जो ब्लॉक लेवल पे व्यवस्थित किया जाता है। इस हॉस्पिटल के आसपास में लगभग 26 से ज्यादा पंचायतें रहती हैं, और इन सारे पंचायतों से लोग जब भी उन्हें जरूरत पड़ती है इस अस्पताल में आते हैं। किंतु इस अस्पताल के बारे में आपको सच्चाई जानने की जरूरत है। इस अस्पताल को लगभग 1.5 साल पहले अपग्रेड किया गया था। अपग्रेड करने का अर्थ यह है कि इसके अंदर लगभग 30 बेड आपके होने चाहिए, लेकिन इस अस्पताल में अभी केवल 6 बेड उपलब्ध हैं। और उसके बाद भी जो समस्या है, मैं उनके ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कैमरामैन साथ साथ में आए। यहां पर आप देख सकते हैं समय लिखा हुआ है, अस्पताल खुलने का समय 9:30 से 1:30 बजे तक और 2 से 4 बजे तक। आप समझ सकते हैं कि एक अस्पताल के ऊपर टाइमिंग लिखने का अर्थ क्या है। टाइमिंग लिखने का अर्थ यह है कि 4 बजे के बाद यहां पर ताला लग जाएगा, और अगर किसी व्यक्ति को इमरजेंसी में अगर कोई ट्रीटमेंट कराना होगा तो उसको या तो बड़सर पहुंचना पड़ेगा या फिर हमीरपुर जाना पड़ेगा। यहां पर हमीरपुर और बड़सर जाने में जो समस्या है, उसके 2-3 कारण मैं आपको 2-3 पहलू दिखाता हूं। एक, अगर गारली वाले रोड से जाते हैं तो उस रोड का निर्माण चला हुआ है, और उस रोड के ऊपर किसी भी गर्भवती महिला को ले जाना या किसी ऐसे व्यक्ति को ले जाना जो इमरजेंसी में हो, संभव नहीं है। प्रशासन ने 1.5 साल पहले इस अस्पताल को अपग्रेड किया था, अभी तक इसको क्यों उस सुविधाओं के साथ नहीं किया गया है, ये प्रशासन को समझना जरूरी है। यहां पर जो नुमाइंदे जो बातें करते हैं, तरक्की के दावे करते हैं, जो नेता ये कहते हैं कि हमने बहुत तरक्की कराई है, उनको इस तरक्की को एक बार जरूर आके समझना चाहिए कि उनकी तरक्की के दावे यहां पर खोखले साबित हो जाते हैं। और जो लोग उन्हें वोट देते हैं, उनको सुविधाओं के नाम पर केवल और केवल वादे मिलते हैं और झूठी लालसा मिलती है। हर बार ऐसा होता है, हर बार हर चुनाव में ऐसा होता है, नए वादे किए जाते हैं और उन वादों को तोड़ने की तो दूर उनको पूरा करने की भी सोच कभी नेता नहीं रख पाते। बहरहाल समस्या बहुत छोटी सी है, आपको समझने में बड़ी छोटी सी बात लग रही होगी, लेकिन जिस घर में कोई समस्या आती है और उसके घर का कोई व्यक्ति जब बीमार होता है और उस परिस्थिति में जब उसके पास समय कम होता है और उसको बड़सर और हमीरपुर जाना पड़ता है, आप समझ सकते हैं उस व्यक्ति की हालत क्या होती है। लोगों की जान भी जाती है, और इस दुनिया में इस जान से कीमती कोई भी चीज नहीं है, ना तो ये वोट, ना तो ये प्रशासन, ना तो ही राजनेता। अगर कोई कीमती है तो जनता और उसका वोट और उसका स्वास्थ्य और उसकी जरूरतें जो जन सुविधाओं के रूप में देने का वादा सरकारें करती हैं, जिसको देने में नाकाम हो जाती हैं। हमारे बीच में यहाँ के जो मार्केट के जो प्रधान है, आज इनको हमने साथ में लेके रखा हुआ है, और आज हम हर एक जगह इनसे बात कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं यहाँ की सारी समस्याओं के बारे में। बबी शर्मा जी, आपके बीच में आज हमने बहुत सारी समस्याएं रखी, हमने एक न्यूज में आपके बिजड़ की समस्याओं को भी रखा, जो खबरों में आपने देखा होगा लगातार, उसमें कूड़े की समस्याएं, शौचालय को लेकर समस्याएं, और आज ये हॉस्पिटल को लेकर आपकी समस्या है, इसके ऊपर पहले क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं आपका, आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। मैंने हॉस्पिटल का पहले भी कई बार मैंने पत्रकारों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से कई बार मैं अवगत कराया कि हॉस्पिटल में 4 बजे के बाद कोई भी स्टाफ नहीं होता है, इधर ताला लग जाता है 4 बजे बाद। हमारे मुझे भी प्रधान बने को 7-8 साल हो गए, इधर यहाँ पता नहीं कितनी मौतें हो गई हॉस्पिटल करके, क्योंकि जब कोई बीमारी होता है 4 बजे बाद आपको कोई नहीं मिलेगा, ना डॉक्टर होगा, ना कोई स्टाफ होगा, ना रात उसके बाद कोई मैरिज जाएगा, कोई मीरपुर जाएगा, तो उसमें उनको रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये अपग्रेड हुआ, इसको 1.5 साल हो गया, मैंने कई बार बोला इन्होंने, किसी ने हमारी अथवा किसी ने नहीं हमारी सुनी है, नेताओं को भी गलाया बोला हमने, तो बाकी जो यहाँ स्टाफ रहता है, नीचे डॉक्टर रहते हैं, उनका जो यहाँ रहता है वो जज्जर हो गया पूरा, उनका क्वार्टर जज्जर हो गया उनका, बाकी जो स्टाफ उनके लिए कोई कमरा नहीं है, रूम नहीं है यहाँ,
कोई ऐसी सारी प्रॉब्लम है करे इलाके में, कुछ कम से कम 30-25 करीब पंचायतें हैं, तो सारी टोटल सारी दुनिया सारे पंचायतें के लोग इसी हॉस्पिटल में आते हैं। तो हम प्रशासन से हेल्थ से मांग करते हैं कि ये डे नाइट होनी चाहिए हॉस्पिटल। अगर प्रशासन हमारी नहीं सुनता है तो हम इस एक महीने का टाइम बीच बीच में हम यहाँ धरना देंगे और पूरा चक्का जाम करेंगे। डिपार्टमेंटल हमारा पूरा साथ देगा, पूरा इलाका हमारा साथ देगा। लाखों लोगों की मांग है, तो हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आपने ये समस्या हमारे बाजार की कहना हॉस्पिटल की हेल्थ की किया, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो जैसे कि बब्बी शर्मा जी ने यहाँ पे एक सवाल उठाया, और क्योंकि हमने व्यक्तिगत रूप से उस बात को समझा देखा, जिस क्वार्टर में डॉक्टर रहते हैं उसकी हालत भी जर्जर हो गई है, पूरी तरह से मकान फट गया है। डॉक्टर की सुविधाओं को भी प्रशासन अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो डॉक्टर किस तरह से आगे सर्वाइव कर पाएंगे, किस तरह से जनता की सेवा कर पाएंगे? ये बहुत ही समझने वाला विचार है और बहुत ही सोचनीय बात है कि हमारे जो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं वो हर जगह कहीं ना कहीं त्रुटि में क्यों पाई जाती हैं? आखिर ऐसे क्या कारण है? क्या सरकार पैसा नहीं दे रही है? क्या सरकार के पास अधिकार नहीं है? क्या जनता के कोई अधिकार नहीं है? ये सब बहुत सारे प्रश्न आपके बीच में आएंगे। फैसला जनता को करना है, फैसला प्रशासन को करना है। हमारा कार्य है आपकी समस्याओं को उन नुमाइंदों तक और सरकार प्रशासन तक पहुंचाना। बात भले छोटी हो लेकिन असर करती है, बात भले ही जरूरी ना हो लेकिन सबसे जरूरी बात मानी जाएगी, क्योंकि मुद्दा जुड़ा हुआ है हमारी समस्याओं से, इलाके की समस्याओं से, उनकी जन सुविधाओं से। इसलिए प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान जरूर देना चाहिए। कैमरामैन चंदेश कुमार के साथ में मैं रमेश शर्मा, जीवन उत्साह न्यूज से। थैंक यू वेरी मच।